हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुभ शुभ बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग होगा। नो कॉन्टैक्ट बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है, जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता, और आप जानना चाहते हैं कि अदर साइड में क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, या फिर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के कोई चांसेस है, क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, ब्लॉक अगर है तो अनब्लॉक होने के कोई चांसेस है या नहीं, तो बहुत तरह का चीज़ आपके मन में आता है। तो हम कार्ड रीडिंग के थ्रू आज का एनर्जी जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। यहाँ पे इट विल बी अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं वो सब। अगर ऑलरेडी आपने देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, अगर ये वाला भी आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज कोई सवाल नहीं, क्योंकि कुछ मतलब याद नहीं आ रहा है कोई सवाल कुछ भी। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, और वीडियोस कैसा लग रहा है, आज का रीडिंग कैसा लगा, कुछ और भी अगर आप बोलना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करेंट जनरल एनर्जी। ओके, सो वी हैव Five of Swords and King of Cups. So, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ आपके पार्टनर का करंट एनर्जी ऐसा है कि भले ही सब कुछ सिचुएशन खत्म हो गया है, भले ही दी एंड हो गया है, भले ही एक तरह से वाइंड अप हो गया है सब कुछ, या रिश्ता खत्म हो गया है ऐसा आपको लग रहा है सरफेस लेवल पे। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से सब बंद है या इट्स ओवर, इट्स नॉट, एक्चुअली इट्स नॉट, बिकॉज अभी भी उनके दिल के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ लव इन सम सिचुएशंस। ऐसा हो सकता है कुछ मजबूरी की वजह से शायद आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट प्यार कम नहीं हुआ, प्यार अभी भी बरकरार है। बट इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि ये आज भी बहुत ज्यादा प्यार फील करते हैं, रोमांस लव बहुत ज्यादा फील करते हैं आपके लिए। ओके, इवन इफ द रिलेशनशिप एंडेड, इवन इफ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इवन इफ इट्स अ एंड रिलेशनशिप, लेट्स क्लैरिफाई दिस फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स सी। ओके, सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स बीन क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बेसिकली आपके पार्टनर जो मैंने बोला वो चाहते हैं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, वो चाहते हैं कि आप दोनों ही धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और आप दोनों को एक लक्ष्य मिले। दूसरा चीज ये है कि आपके पार्टनर चाहते हैं शांति, पीस, ओके, सुकून। वो चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है, इश्यूज हुआ है, वो सब शांत हो जाए। ओके, उनको शांति मिले, वो झमेला खत्म हो जाए और एक नया बिगिनिंग हो उस जगह से जो कि खत्म हो गया था। ओके, तो दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। सी बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार कार्ड, दे वांट टू हील द सिचुएशन, बेसिकली दे वांट टू ब्रिंग बैक द बैलेंस। ऑल्सो वो चाहते हैं कि शांति आए, सुकून आए, ठहराव आए, चीजें और ज्यादा स्मूथ बने, और ज्यादा पीसफुल बने, और ज्यादा खूबसूरत बन जाए। ओके, रोमांटिक आल्सो।
अब हम देखेंगे व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आपका करेंट जनरल एनर्जी क्या है? व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? ओके, वी गॉट द कार्ड. ओके, सो द एम्परर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ऑलरेडी आई थिंक आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर. यू आर लाइक आई वॉन्ट टू बी इन माई ओन पावर. ओके, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपना पावर नहीं गंवाना है, मुझे अपने पूरे पावर में रहना है. ओके, सो आई कैन सी दैट यू वॉन्ट टू स्टे इन योर ओन पावर, यू वॉन्ट टू बी पावरफुल, you want to detach those emotions which are not serving you anymore, you want to bring those power back which already you have, you already gave to other people, yeah, other energies. Okay, so I can see that you are moving on, you are moving on towards calmer water taki aapko shanti mile, and dheere dheere karke you are becoming strong, you are upgrading yourself in terms of everything, upgrading, and also saath hi saath mein aap अपने पावर में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितना भी इमोशंस आपने दिया है वो सब इमोशंस आप अपने लिए वापस ले लें ताकि उससे आप पावर में रह सके. ओके, ओके. अब हम देखेंगे इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करेंट फीलिंग. यू आर इन योर ओन पावर, इतना तो मैं बोल सकता हूं. बहुत ही strongly you are handling your emotions, that's a very good thing. It will protect you from heartbreak to a certain extent. Yes, let's see aapke partner ka what is their current feeling. We got one card. Okay, okay, टावर. ओके, सो उनका जो करेंट फीलिंग्स है वो है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड. ओके, सो वो चाहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग वो अपने मनी जॉब एंड कैरियर पे ज्यादा फोकस करे और अपने जिंदगी का जो डिसबैलेंस है उसको ठीक करे. वो कुछ दिन अकेला रहना चाहता है, वो चाहता है कि अपने आप को वो जान सके, अपने फ्लॉस को, अपने गलतियों को वो समझ सके और उस पर वर्क कर सके. तब तक के लिए वो चाहते हैं कि मैं अपना ये जो प्रपोजल करने वाला चीज है या फिर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक वाला जो चीज है उसको थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखूं. सो आई कैन सी दैट फॉर द टाइम बीइंग दे वांट टू बी अलोन, दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू नो मोर अबाउट देमसेल्फ एंड यू ऑल्सो, और वो थोड़ा सा जिंदगी देखना चाहते हैं, जिंदगी जानना चाहते हैं. ये सडनली हो रहा है. बॉटम ऑफ द लेक इज द टावर. आई थिंक सडनली इस तरह का ख्याल, इस तरह का फीलिंग उनके दिल के अंदर आ रहा है. दे वॉन्ट टू गिव यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है तो एक जगह पे मुझे सैक्रिफाइस करना होगा और वो है प्यार. क्यों? क्योंकि मुझे आपको छोड़ के बाहर जाना है ताकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो सकूं और फिर मैं वापस आ सकूं. सो फॉर द टाइमिंग हम लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में है तो मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए ताकि मैं स्टेबल हो सकूं और जो भी मुझे अर्न करना है वो मैं अर्न करके स्टेबल होके मैं फिर से आपको अप्रोच कर सकूं. तो इस तरह का एक फीलिंग, नया फीलिंग जो कि सडनली आई कैन सी. ओके, ओके. अब हम देखेंगे व्हाट इज योर करेंट फीलिंग्स. आपका करेंट फीलिंग्स क्या है? लेट्स सी व्हाट इज योर करेंट फीलिंग्स. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस. जितना रेजोनेट करता है जितना तक उतना तक लीजिएगा. लेट्स सी व्हाट इज योर करेंट फीलिंग्स. ओके, ओके. सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स and queen of pentacles. So I think there is a third party situation, ऐसा मुझे अभी लग रहा है क्योंकि आप दोनों का current feelings में
एक थर्ड पार्टी इक्वेशन मुझे दिख रहा है, अब वो थर्ड पार्टी क्या है वो मुझे नहीं पता, इट कुड बी देयर मदर, इट कुड बी देयर फैमिली, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, इट कुड बी देयर करियर, बहुत तरह का चीज़ हो सकता है, बट एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इधर, ओके? आपका जो करेंट फीलिंग्स है, आप चाहते हैं जस्टिस, आप चाहते हैं रियूनियन, आप चाहते हैं रिकॉन्सिलिएशन, बट फॉर द टाइम बीइंग यू आर ओनली 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 फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग। आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने सेल्फ हीलिंग पे काम करना चाहते हैं, अपने खूबसूरती पे, यू वांट कि आपका डेवलपमेंट हो बहुत खूबसूरत तरीके से, यू आर स्टिल इन दैट मोड कि मुझे और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करना है। वहाँ पे एम्परर कार्ड आया था, आपको पता है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सो यू आर ओनली फोकसिंग ऑन अपग्रेडेशन, यू वांट टू बी इन योर ओन पावर, एंड फॉर दैट आप जानते हैं कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, सो यू आर डूइंग दैट, ओके? बट अंदर ही अंदर आप चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन भी हो, ओके? अब हम देखेंगे इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन व्हाट इज देयर इंटेंशन, क्या वो क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ओके? वी गॉट द कार्ड, दे वांट टू, ओके, उनका इरादा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड, बॉटम ऑफ द रेक इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू हील द सिचुएशन, सॉरी, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला आपको, वो चाहते हैं सिचुएशन हील हो जाए, वो चाहते हैं कि सब सही हो जाए, दे वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स एंड एनर्जी दिस टाइम डेफिनेटली वो चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो, और जब रियूनियन हो या रिकॉन्सिलिएशन हो वो अपना पूरा 100% एफर्ट्स देना चाहते हैं, तब तक के लिए दे वॉन्ट कि सिचुएशन थोड़ा सा हील होना चाहिए, अभी तक उनको ऐसा लग रहा है सिचुएशन हील्ड नहीं है, और इसी वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट अभी भी चल रहा है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं है अभी तक, ओके? बट दिस टाइम अगर वो वापस आता है, जो कि चांसेस है, बट एक्शन में हमको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू पुट एफर्ट एंड एनर्जी जितना हो सकता है, मैक्सिमम लेवल तक, ओके? सो या, अब हम देखेंगे व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है, लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, सो योर इंटेंशन इज टू, मेरा रीडिंग यूजली कभी गलत नहीं होता है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड कार्ड, फॉर यू इट्स ओवर एंड यू आर लाइक फुल्ली, यू आर ग्लोइंग, यू आर ग्रोइंग, आप इतना इंडिपेंडेंट है, यू आर लाइक के मुझे अभी जितना हो सकता है अपने ऊपर काम करना, यू आर अ चेंज्ड पर्सन नाउ, वहां पे एम्परर कार्ड, यहां पे माइनर अर्काना एम्प्रेस, यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ एंड यू आर सो अट्रैक्टिव के लोग अगर आपको देखेंगे तो दे विल गेट अट्रैक्टेड के हाउ स्ट्रॉन्ग दिस पर्सन इज, हाउ बोल्ड दिस पर्सन इज, हाउ ब्यूटिफुल और हाउ हैंडसम दिस पर्सन इज, एंड विद अ ब्यूटिफुल हार्ट ही इज, दे आर नॉट कोडिपेंडेंट ऑन एनीवन, इतना ज्यादा उनका करियर अच्छा है, हर तरफ से दिस पर्सन इज सो स्टेबल, ओके? सो आई कैन सी दैट यू आर एब्सोल्युटली अपग्रेडिंग योरसेल्फ, बहुत बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो रहा है आपका, आप डेवलप्ड हो रहे हैं एक तरह से मैं बोलूं तो, ओके? आपके लिए ये रिश्ता अभी खत्म है, इस रिश्ते में कोई जान नहीं है, सो इट्स बेटर कि मैं अपने ऊपर फोकस करूं, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वेरी पावरफुल, मुझे पता है कि कितना वक्त लगता है इन सब चीजों में, इतना इस पावर में, इस लेवल में आने तक, क्योंकि आज का पूरा रीडिंग का अगर मैं कंटिन्यूएशन देखूं,
यहाँ पे एम्पावरमेंट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे फुल ऑन पावर में रहना मुझे दिख रहा है बार बार. सो इट्स अ वेरी पावरफुल रीडिंग. योर एनर्जी, आपका एनर्जी इतना पावरफुल है. आपके पार्टनर का तो मैंने बोला ऑलरेडी, एक्शन में अभी हम देखेंगे कि क्या होगा, बट यू आर आउटस्टैंडिंग नाउ, वेरी गुड. ओके, अब हम देखेंगे द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. क्या उल्टा पुल्टा हो गया, क्या हो गया. ओके, कांच थोड़ा उल्टा सीधा हो गया. आई थिंक ये अभी ठीक है. नहीं, एक सेकेंड, ये सब उल्टा पुल्टा हो गया. उल्टा पुल्टा कैसे हो गया ये पार्ट, ये मैं कर क्या रहा हूं. तो बेफालतू का रिवर्स आएगा जो कि एक्चुअल में नहीं है. बिकॉज ऑफ द सेटिंग ओके ओके. थैंक यू फॉर योर टाइम कि आप लोग पेशेंटली थोड़ा सा वेट किया. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का जो है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग. आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. ओके ओके, दो कार्ड आया है तो मैं इन दोनों को ही ले. ओ वाओ 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 वाओ, वेरी गुड वेरी गुड. बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड. देयर इज अ चांस ऑफ अपग्रेडेशन. द एम्परर कार्ड, नाइट ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड. देयर इज अ चांस दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू विद अ मैरिज प्रपोजल और अ फैमिली क्रिएशन प्रपोजल. अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो बोल सकते हैं कि चलो घर वापस चलो, फैमिली बन, एक फैमिली बनाते हैं या ऐसा इस तरह का कुछ. आई कैन सी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस पर्सन. ओके, बहुत ही बड़ा अपग्रेडेशन होगा इसके नेचर में, चेंज आ रहा है. दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर फैमिली. वो चाहते हैं कि आप उनके जिंदगी को रोशन करें, आप उनके जिंदगी में शामिल हो, उनके फैमिली का एक एक पार्ट बने. एंड आपके आपके रहने से उनको वो हर खुशी, हर चीज मिलेगा जो कि वो डिजर्व करते हैं, ऐसा उनको लगता है. सो दे आर लाइक डे ड्रीमिंग के यू आर कमिंग वेरी सून एंड यू आर ज्वाइनिंग देम एज अ फैमिली. एंड साथ ही साथ में आई कैन सी देर इज अ चेंज, देर इज अ चेंज, अ वेरी पैशनेट, वेरी पैशनेट बट वेरी पावरफुल चेंज. ओके, अपग्रेडेशन, लेवल अप. दिस पर्सन विल लेवल अप. आपको चेंज देखने को मिलेगा, देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज. ओके, जब भी ये पर्सन आपके पास आएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स था, वक्त लगेगा, बट जब भी ये इंसान आपके पास आएंगे इट विल बी वेरी सॉलिड. लेट्स सी द साइंस. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करें. इट कुड बी योर साइन, इट कुड बी देयर साइन ऑल्सो. लेट्स सी द साइंस. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस.
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो से, ओके सो एरीज लियो सजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सबसे ज्यादा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न उससे थोड़ा कम. ओके सो फायर साइंस एंड एयर साइंस. फायर फायर. अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन. सो अगर आप मेरे से पूछे कि एक्शन वाइज नो कॉन्टेक्ट ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं, डेफिनेटली चांसेस है, डेफिनेटली चांसेस है, बट वक्त लगेगा. ओके वक्त लगेगा बिकॉज अभी ये ऊपर ऊपर है. ओके ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव ट्रांसफॉर्म होने में वक्त लगेगा. ओके यानी कि इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा. ओके लेट्स सी गाइडेंस. ओके वाओ गाइडेंस इज जितना हो सकता है खुद से प्यार कीजिए. सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग जितना हो सकता है कीजिए. अगर पॉसिबल हो तो कहीं पे घूमने जाइए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा. अकेले जाइए अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं तो किसी फ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ, जो भी आपका आपको सही लगे आप जा सकते हो. बट डेफिनेटली यू शुड ट्रैवल, यू शुड गिव टाइम टू योरसेल्फ, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद की केयर कीजिए. और जितना आप ये सब कुछ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने पावर में रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप अपने पावर में रहेंगे उतना ही ज़्यादा गुड एनर्जीज, गुड वाइब, ब्यूटिफुल एनर्जीज आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आएंगे. आपको कुछ करने का दरकार नहीं होगा. ओके आपको आपको जितना हो सकता है अपने पावर में रहना पड़ेगा. सो ये था आज का रीडिंग. कैसा लगा ये रीडिंग जरूर कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा. हम लोग आगे भी इस तरह से रीडिंग्स लेके आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.